लिहाजा जब हजरत जहूर फरमाएंगे तो मौला हुसैन के गुंबद पे लगे हुए सुर्ख रंग के परचम को उतारेंगे। अरब दुनिया का दस्तूर है, जिसके खून का बदला नहीं होता उसकी कब्र पे सुर्ख झंडा लगाते हैं। इमाम हुसैन के गुंबद पे जो सुर्ख रंग का झंडा लगा हुआ है ना, परचम लगा हुआ है, वो इसीलिए लगा हुआ है कि अभी खून का बदला बाकी है और बदला लेने वाले साहिब बारिस मौला के फर्जंद, और ऐसा अजीम फर्जंद के जिनसे मौला को खुद मौला हुसैन को इतना प्यार है कि जब जहूर फरमाएंगे ना इमाम मेहदी तो रजअत से हुसैन दोबारा उठाए जाएंगे और आलमी सतह पर इमाम हुसैन की हुकूमत होगी। जी, आलमी सतह पर इमाम हुसैन, कोई बॉर्डर ख़त्म नहीं होगा, बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे, पासपोर्ट ख़त्म हो जाएंगे, ये शनाख्त ख़त्म हो जाएगी कि मगरिब वाले लोग और हैं और मशरक़ वाले और रहे हैं, सब इमाम मेहदी के होंगे। एक ही अजान सुनाई दी जाएगी, एक ही अंदाज का मजहब होगा, इमाम मेहदी की पूरी आलमी हुकूमत होगी। और इमाम मेहदी जब तशरीफ़ लेकर आएंगे तो इमाम हुसैन दोबारा से लाए जाएंगे, इमाम की रजअत होगी, इमाम दोबारा उठाए जाएंगे। और इमाम हुसैन जब इमाम मेहदी को एक यहूदी औरत सर पर पत्थर मारेगी जिससे इमाम मेहदी शहीद होंगे, तो इमाम हुसैन ही इमाम मेहदी की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और अपने बेटे को अपने हाथ से दफनाएंगे और फिर पूरी दुनिया पे हुसैन की हुकूमत होगी। यह है वो अकीदा रजत। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, इससे बुलंद और बेहतर सलवात नबी की जात पे आती। लिहाजा अब इतना आइडियल दौर, इतना पसंदीदा दौर, इतना बेहतरीन माहौल के जब इमाम हुसैन के हाथ में पूरी कायनात होगी। जी वैसे तो अभी भी है, मगर मुराद हमारी समाजी इख्तियारात हैं, अभी तो दिलों पर इख्तियारात हैं ना, फिर बदनों पर भी इख्तियारात होंगे, फिर महलों पर भी, शहरों पर भी, मुल्कों पर भी, कायनात पर इमाम हुसैन के इख्तियार का इजहार होगा। इसे कहते हैं अकीदा रजत। में इन बच्चों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, उन उस ज़माने के लोगों की सिफात क्या हैं, उस ज़माने के सबसे पहले तो अल्लाह ने यह बात वाज़े कर दी कि आखिरी ज़माने में दीन को बचाना बहुत मुश्किल होगा, दीन बचाना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा कारनामा है उन लोगों का जो आज के ज़माने में नमाज पढ़ते हैं, बहुत बड़ा कारनामा है उन लोगों का जो आज के ज़माने में मजलिस में आके बैठते हैं। जितना मजमा यहाँ बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मजमा है, लेकिन इससे दो बराबर मजमा होगा जो नहीं आया। जी, इससे दो बराबर मजमा होगा जो इनको पता है कि मजलिस हो रही है फिर भी वो नहीं आया। तो ये जो आके बैठा है, ये जो नहीं आया वो बराबर कैसे हो सकते हैं? ये बराबर नहीं होंगे ना, ये जो आकर बैठे हैं इनकी फजीलत ज्यादा है ना। ऐसे ही जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं, हज करने जाते हैं, इबादतें अंजाम देते हैं, वो कैसे बराबर हो जाएंगे उन लोगों, वो इनके बराबर कैसे हो जाएंगे जो ये सब कुछ नहीं करते? अल्लाह का ना किसी से पड़ोस है, ना अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी है। अल्लाह पड़ोस की बुनियाद पर नहीं करता, किसी को मकाम नहीं देता, ना रिश्तेदारी है अल्लाह की, लम यलिद वलम यूलद है। जी, अल्लाह तो मेहनत और मशक्क़त और जहमत और इबादत और खुलूस और सच्चाई की बुनियाद पर अजमतें देता है। कोई ज़रूरी नहीं है कोई 5 लाख रुपए खर्च करे तो ज़्यादा मोतबर हो जाए और कोई 5 रुपए खर्च करे तो उसका एतबार कुछ ना रहे। अल्लाह के यहाँ गिना नहीं जाता, तोला जाता है। वो ये देखता है कौन मेरी खातिर काम कर रहा है। क्या मालूम वो ककड़ी बेचने वाले की 2 ककड़ियां जो उसने किसी अजादार को खिलाई हो, वो किसी की देख खिलाने से ज्यादा सवाब रखती हो। खबरदार, मुझे जाहिर की बुनियाद पर फैसले नहीं कर रहे, जाहिर को देखकर। खबरदार, जाहिर पर फैसला नहीं होगा, बातिन पर और खुलूस नीयत पर फैसला होगा। और जो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं किसी का फैसला करूं, क्या मालूम वो सच्चा हो और मैं सोचा हुआ हूं कि सच्चा नहीं है। वैसे भी जिस जगह हम बैठे हैं ना, थके हुए तो नहीं आप? जिस जगह हम बैठे हुए ना, ये जगह ऐनक बदलने की जगह है। यहाँ बैठने वालों की दीद तब्दील करवाई जाती है, ऐनक तब्दील करवाई जाती है। यहाँ बैठने वाला वो देखता है जो हकीकत हो। चश्मे सर से देखने वाले और हैं, चश्मे जान से देखने वाले और हैं। ये फर्श आजाद चश्मे जान और आंखों को खोलती है जो दिल की आंखें हैं। बसारत से बसीरत का सफर है जो आजादारी से नसीब होता है। ये फर्श आजाद पर बैठने वालों की दीदी कुछ और है। मैं एक जगह से गुजर रहा था, रास्ते में सांप बैठा हुआ था, मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मैं सोचने लगा ये मूजी है, हमला करेगा।
लोग मुझे देखकर आपस में बातें करने लगे, मौलाना को देखो बड़ी शुजात की बातें करते हैं, बड़ी तकरीरें करते फिरते हैं, सांप से डर रहे हैं। अब मैं सोचने लगा इनके चढ़ाने में आऊं या अकलमंदी का सबूत दूं। बहुत सारे लोग होते हैं ना चढ़ा के गायब भी हो जाते हैं। अभी मैं खड़ा हुआ सोच रहा था कि एक छोटा सा बच्चा मेरे बराबर में आके खड़ा हुआ, कहने लगा मौलाना ये प्लास्टिक का सांप है। जब मुझे मालूम हुआ ना प्लास्टिक का सांप है तो मैंने उसी पर पैर रखा, उसे कुचलता हुआ चला गया। मालूम यह हुआ जब हकायक रोशन हो जाते हैं तो इकदामात भी तब्दील हो जाते हैं। जी सारी दुनिया जिस यजीद से डर रही थी, हुसैन उसकी हकीकत को जानते थे। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हकायक रोशन होते हैं यहाँ। खबरदार, कपड़ों की बुनियाद पर किसी का एहतराम नहीं होना। खबरदार, गाड़ियों की बुनियाद पर किसी को मोहतबर नहीं मानना। बड़े बंगलों की बुनियाद पर किसी को बड़ा नहीं मानना। हमारी तो अंदाज ही कुछ और है, हम तो लोग ही कुछ और हैं। हम पर अगर कोई गौर कर ले तो वो डबल PhD हो जाए। शियों पर गौर अगर कोई कर ले ना किसी यूनिवर्सिटी में जाकर तो वो डॉक्टर हो जाए। हम पर गौर करने से डॉक्टर हो जाए। मौला की तो बात बहुत बड़ी है, बड़ी बात है मौला की। हमें समझने के लिए दानिश्वरियाँ चाहिए, दानिशमंदियाँ चाहिए, होशियारियाँ चाहिए, अकलमंदी चाहिए। कहते हैं शियों की तो बातें अलग अलग होती हैं, शियों की तो बातें नए नई बातें होती हैं, नए नए काम हैं शियों के। जी हमारी नई नई बातें, हमारे नए नए काम ही तो जिंदा रखे हुए हैं लोगों को। वो हम पे गौर करते चले जा रहे हैं और हम समझते चले जा रहे हैं। मैं एक जगह बैठा हुआ था तो गुफ्तगू हो रही थी कि जब इमाम जुहूर फरमाएंगे तो इमाम की उम्र 40 साल की होगी। मैंने कहा जी इमाम हमारे जब जुहूर फरमाएंगे तो उनकी उम्र 40 साल की होगी। तो वहाँ एक साहब बैठे थे, कहने लगे क्या मतलब है अभी विलादत नहीं हुई? मैंने कहा नहीं, विलादत तो 255 हिजरी में हो गई। कह लें जी मौलाना 1441 चल रहा है, 1440 चल रहा है, ये 1440 और 255 हिजरी 1150 साल हो गए। आप कह रहे हैं कि जो है वो 40 साल के होंगे, कहिए 1150 साल के हैं तो फिर 40 साल का क्या मतलब है? मैंने कहा नहीं हैं वो 1150 साल के, मगर उम्र 40 साल पे रुकी हुई है। कहने लगे लो शियों की तो पहले ही बातें समझ में नहीं आती है, एक और नई बात आ गई जी। ना इनका मातम समझ में आता है, ना इनका जुलूस समझ में आता है, ना इनके काले कपड़े समझ में आते हैं, ना इनके अज़ाखाने समझ में आते हैं, ना इनका हाथ खोलना समझ में आता है। जी एक लंबी फहरिस्त है जो बातें समझ में नहीं आती, एक और नई बात। तो मैंने कहा जी ये आपकी उम्र कितनी है? कहने लगे जी 70 साल का हूँ। मैंने कहा कभी चेहरे को जाके आईने में देखिए, अल्लाह ने 70 साल पहले जब आपको माँ के शिकम से दुनिया में भेजा था तो सर के बाल देकर भी भेजा था और भवों के और पलकों के बाल भी अल्लाह ने माँ के शिकम से बनाकर भेजे थे। 70 सालों में अगर आपने सर के बाल ना काटे होते तो अब तक एड़ियों तक आ गए होते, मगर 70 सालों में कभी आपने भवों को नहीं काटा और पलकों को नहीं काटा। एक की उम्र बढ़कर बता रही अल्लाह बढ़ाता है, एक की उम्र रुक कर बता रही अल्लाह रोकता है। अल्लाह 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 चाहे तो उम्र को रोक दे, अल्लाह कादिर है। वो हमारे इमाम को 40 साल की उम्र पर ठहराए हुए हैं, जब जाहिर होंगे तो 40 साल की उम्र के होंगे, यानी 40